हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। और आप देख रहे हैं इस वक्त टेक्निकल फिक्स चैनल, और आज की वीडियो में हम ब्रेव ब्राउज़र को अपने मैकबुक में या किसी भी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करना सीखेंगे। अगर कोई भी आप वर्जन यूज़ कर रहे हैं मैक का, तो आप उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने कोई भी एक वेब ब्राउज़र ओपन करना है, और वहाँ पर आपने सर्च करना है ब्रेव ब्राउज़र। आप यहाँ पर ब्रेव ब्राउज़र सर्च करेंगे तो इसके बाद आपके सामने ब्रेव की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, brave.com। आपने यहाँ से इसकी वेबसाइट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने वेबसाइट कुछ इस तरह से आएगी। वेबसाइट ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने डाउनलोड ब्रेव बटन पर क्लिक करना है। जैसे भी यहाँ पर डाउनलोड ब्रेव बटन पर क्लिक करेंगे तो इसकी जो डाउनलोडिंग होगी वो आपके ब्राउज़र में स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी डाउनलोड स्टार्ट हो चुकी है। 211 MB की फाइल होगी जो आपने डाउनलोड करनी है। डाउनलोड होने के बाद आपने यहाँ पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपने ये जो ब्राउज़र है जिस पे आपने डाउनलोड की थी, आपने इसे क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी ओपनिंग हो रही है। ओपन होने के बाद आपने यहाँ से एक मतलब चेकिंग होगी, इसके बाद ये ओपन हो जाएगा। अब आपने यहाँ से ब्रेव ब्राउज़र की जो फाइल होगी वो आपने एप्लीकेशन फोल्डर में कॉपी करनी है। यहाँ से आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है, तो इसकी जो फाइल होगी वो यहाँ पर कॉपी होना स्टार्ट हो जाएगी। तकरीबन 500 MB तक का इसके साइज होगा जो आपके एप्लीकेशन फोल्डर में कॉपी होगा। फाइल कॉपी होने के बाद आपने यहाँ से इस विंडो को क्लोज कर देना है और लॉन्च पैड में जाकर ब्रेव ब्राउज़र को ओपन करना है। जैसे कि मैं यहाँ से लॉन्च पैड में जाकर ब्रेव ब्राउज़र को ओपन करता हूँ, जैसे ही आप यहाँ से ब्रेव ब्राउज़र को ओपन करेंगे तो यहाँ से एक मतबा वेरीफाई करेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर ओपन का एक बटन नज़र आएगा, आपने यहाँ से ओपन करना है। तो इसके बाद जो ब्रेव ब्राउज़र होगा वो आपके मैक में ओपन हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम आपके सामने ब्रेव ब्राउज़र कुछ इस तरह से आएगा। आप इसे डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई सेटिंग भी इंपोर्ट कर सकते हैं दूसरे ब्राउज़र की। तो इस तरह से आपके सामने जो ब्रेव ब्राउज़र होगा वो ओपन होगा। आप इसकी कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। आप नीचे देख सकते हैं कस्टमाइज़ का एक बटन दिया गया है। यहाँ पर कुछ बैकग्राउंड इमेजेस वगैरह हैं, थीम वगैरह हैं, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ब्रेव स्टेटस चेक कर सकते हैं, टॉप साइड यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी फर्स्ट पेज पर जो भी न्यूज़ वगैरह देखना चाहते हैं आप उनको फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ से थीम वगैरह जो भी है वो आप अपनी मर्जी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से ब्रेव ब्राउज़र में क्रिप्टो वॉलेट को क्रिएट कर सकते हैं और उसका एक मुकम्मल सेटअप अपने मैकबुक में या कोई भी आप सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर बना सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपको मेरी वीडियो देखने के लिए। मज़ीद वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।